उत्तर प्रदेश मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामलें हिंदू पक्ष को बड़ विजय मिली साही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट पक्षर् आवेदन को खारज कर देखते आलाहाबाद हाइकोर्ट आगो को मस्जिद उच्छेद को नहीं हिंदू पक्ष करवेदन विचार चल जमीर या केशवदेव मंदिर को भांगी साही ईदगाह मस्जिद निर्माण कर हिंदू पक्षर अभोग मुगल राजा औरंगजेब शासन काल में उच्छेद कर हिंदू पक्ष दावी रही Allahabad High Court has rejected the application of Order 7 Rule 11 filed by Shahi Idgah Masjid, and the Honorable High Court has held that all these 18 suits are not barred by Places of Worship Act, WAF Act, Limitation Act, Order 23 Rule 3A, as well as the Specific Relief Act. And the next date of hearing is 12th of August. So now the end result is that the trials will proceed, and the intention and the an effort to nip in the bud this trial at this stage on the issue of maintainability has been rejected. माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं. ये निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप है. हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं. रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है, और ये बहुत अच्छा निर्णय है. हम हृदय से स्वागत करते हैं. भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मामले पर भी मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा, भगवान शिव के भक्तों को न्याय मिलेगा, और पूरे देश में जैसे इस समय तो चारों तरफ हर हर बम बम का नारा लग ही रहा है, हर हर महादेव हो ही रहा है सावन के महीने में, लेकिन जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की भी गूंज होने लगी. ये तो उनका जो पक्षकार है कहीं भी अदालतें तो सबके लिए है, देश भर के लिए है. जो भी पक्षकार किसी भी अदालत में जाना चाहे उसका तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन माननीय अदालत का जब निर्णय कोई आता है तो वही स्वागत करने का जो आज का निर्णय है वह स्वागत करने योग्य. जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.